गाड़ी आ रही है, जरूरी है कि जारी रखे काका। करने की कोशिश तो कर सकते हैं ना काका, मुझे इसी बदलाव के लिए आया हूँ मैं। जो प्रथाएं हमें प्रगति के पथ पर आगे जाने से रोक रही हैं, वो प्रथाएं नहीं पैरों की बेड़ियां हैं काका। इन बेड़ियों को हटाना होगा। आय की तरह रह पाएंगे आप मेरी भांजी के साथ हर समय? आया तो सिर्फ रोशनी में साथ देती है, मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। लड़ लिया तेरे लिए सबसे, तुझे बचाया मैंने, तुझे पाकर क्या मैंने खोए अपने सारे। दिल में थी आग जो दिल अपना है जलाया रे, टूटे सपने सजेंगे कैसे, नींद भी उड़ गई है। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अनिरुद्ध तुम छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक काम नहीं, मुझे दे। नहीं मिनी, मुझे करना ही होगा। पर अनिरुद्ध, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, करने दो मुझे मेरा काम, उठाने दो मुझे मेरी जिम्मेदारी। कहता था त्रिलोचंदा, नहीं हो पाएगा अनिरुद्ध से ये सब कुछ। शहजादे रईसी में पले बड़े हैं, सांस भी वहां ली है जहां पर हवा में भी खुशबू आती है, विलायती परफ्यूम लगाई है, जूतों में थोड़ा सा कीचड़ क्या लग जाए, पूरा शरीर धुलवाते हैं, मखमल के कपड़े पहनने वाले खद्दड़ के कपड़े पहनेंगे तो खारिश ही होगी ना। पर आप भी अच्छी तरह जानते हैं दा, बिनोए खारिश मिटाने में एक्सपर्ट है। जमींदार हैं क्या करें, झुकने की आदत नहीं है। जरा सी पीठ नीचे झुकाई तो हड्डियां कड़कड़ा गईं। पर सच कहूं तो बुरा लग रहा है अनिरुद्ध के लिए, बेचारे को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है इस लड़की की वजह से। 50 जोड़ी वस्त्र दक्षिणा के लिए, एक सोने की मूर्ति, कमल के पुष्प। ठीक से लिख रहे हो ना? पता है ना एकादशी महापूजा का सामान है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या सजा देंगे जानते हो ना। मालिक, अब हम मुर्गे से इंसान बन जाए? चुप! ज्यादा बकबक की तो बकरी बना देंगे। जादू वाला टोटका काम करता है ये कहा था ना तुमने? हुआ कुछ असर, सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। बने रहो सारा दिन मुर्गा। जब छोटी मालकिन पे आपकी बातों का असर नहीं होता है तो टोटके का असर क्या खाक होगा। शरारती है, शरारती है, ऐसा आप ही कहते हैं ना मालिक। बाहू, इधर आओ, इधर आओ, आओ। अरे बस बस बस, पीछे जाओ, पीछे जाओ। 4 हाथ की दूरी रखनी है, पवित्र हो तुम अभी तक भूल गई। वो हमने जो ताबीज दिया था हाथ पे बांधने के लिए, वो निकाल दिया क्या तुमने? नहीं काका ससुर, शक्ति ढीला बांधा होगा कोयली ने टोटका। मालिक, टोटका जब शरीर से छुएगा तभी असर करेगा, ऐसा बाबा जी ने कहा था। ढीला नहीं, बहुत कसकर बांधा है, देखो घाव भी लग गया मुझे इससे। ससुर जी ने कहा तो उतार सकती थी क्या मैं? पर एक बात समझ में नहीं आई, जिस चीज से दर्द होता हो, चोट लगती हो, जिससे बहना खुद समस्या हो, उससे समस्या का हल होगा? अरे बस, तुम और तुम्हारे प्रश्न, तुम अपने माथे पे प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं बनवा लेती? बस कुतर्क करना है हर समय, कुछ लाज शर्म आती नहीं है तुम्हें? अरे
जीवन में कुछ पाने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है, तुम्हारी वजह से देखो अनिरुद्ध कितना कुछ सह रहा है बेचारा। पर तो दुनिया में पत्नी पति की सेवा करती है, उसका मान बढ़ाती है। अरे यहाँ पति बेचारा पत्नी की चाकरी कर रहा है, ये सब पता चलेगा तुम्हारी माँ को तो अच्छा लगेगा, शाबाशी देगी। वाह वाह बेटी वाह, कहाँ गई? अरे कहाँ गई है? ये उपचार जरूर असर करेगा बोंदिता पर। दरवाजा खटखटा के अंदर नहीं आ सकती थी बोंदिता? इतने मैनर्स नहीं सीखे हैं बोंदिता तुमने? मैनर्स क्या होता है? माफ कर दीजिए पर इस तरह बाबू। ठीक है, माफ कर दीजिए मुझे। कहा ना ठीक है। पहली माफी आपको धक्का लगने की गलती के लिए थी, अभी दूसरी माफी इसलिए कि आपको मेरा बिस्तर गीला करने के कारण उल्टी आई, इसलिए फिर से विनती करती हूँ मेरी माँ के पास भेज दीजिए मुझे, उसको कभी उल्टी नहीं आई मेरा बिस्तर गीला करने की बदबू से, ना ही कभी उसने मुंह बनाया, हमेशा प्यार से सब साफ करती थी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना, वो ले सकता है क्या उसकी जगह, कर सकता है क्या माँ जितना प्यार, नहीं ना, तो क्यों नहीं भेज देते मुझे मेरी माँ के पास बिस्तर बाबू? तुम्हें कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी बोंदिता, तुम्हारी परेशानी का हल ढूंढ लिया है मैंने। अब कौन सा नया हल ढूंढा है आपने? जोश बोला नमकीन तो बंद करवा दिया है, पानी भी नाप नाप के मिल रहा है, और अब क्या बंद करवाना फिर इस तरह बाबू? कुछ बंद नहीं करवाना है, बल्कि कुछ नया शुरू करना है। चलो छत पे, बताता हूँ तुम्हें, आओ।